Welcome to One and All. We are starting with a new chapter from CS1 12th standard, and the chapter is chapter number 1, Operating Systems. It will give you 22 marks in your board exam, and this chapter is really important as it is high weightage chapter, and this chapter is really simple also to learn. Okay, so don't neglect this chapter for your exam. We'll learn operating systems or the meaning of OS in this session, features and services in OS. Before going to this chapter, we'll first learn the distribution of this 22 marks for this chapter. Okay? So, from this chapter, we are having in our board exam one MCQ for 1 mark. That will give you 1 into 1, 1 mark. 3 marks. Questions will be 3, that means 3 into 3, it will give you 9 marks. 4 marks questions will be 3, that is 3 into 4, 12 marks. Means total we are having 22 marks from this chapter, and this chapter is really very much important for your exam. So let's start. What is an operating system? Okay, first of all, we should learn that the operating system kya hai, why it is so much important. An operating system is a program which act as an interface between user of a computer and computer hardware. So, OS kya rehta hai? Ye ek aisa layer hai aur ye ek aisa interface hai jo user jo hai, jo computer ko handle kar raha hai aur jo computer ke hardware se un dono ko manage karne ke liye aur I can say communicate karne ke liye यूज होता है. ओके, मींस अगर आपका लैपटॉप मोबाइल और कंप्यूटर है अगर तो इसमें अगर आपको कुछ काम करना है, सो बेसिकली यू नीड ओएस फर्स्ट, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज नीडेड. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपका कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल बहुत हाई क्वालिटी का है, देन ऑल्सो वो स्टार्ट नहीं होगा. क्लियर? सो ये जो ओएस है, दिस इज नीडेड to do anything in your computer. Okay, means anything if you want to do in computer by using computer hardware, you have to use this OS first, or you have to update your OS in your computer, laptop or mobile. Okay, so we'll see these examples first. Nowadays we are knowing that Windows 7, Windows 10, okay, or Linux, Unix, this we all are knowing. सो दीज आर नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे ही किसी ने अगर कंप्यूटर परचेस किया है, लैपटॉप परचेस किया है, तो उसमें पहले ओएस अपडेट होता है. ओके, ओएस रन होने के बाद ही हम लोग अपना कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं. सो ओएस इज द दैट थिंग विच इज यूज टू स्टेबलाइज अ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. ओके, सो लेट्स सी द पॉइंट नंबर 2. इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट टू रन अदर प्रोग्राम आल्सो. ठीक है, ये एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा कि आप अपने कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप में कोई और प्रोग्राम भी कर सकते हो, कोई और काम भी कर सकते हो. इट मेक्स सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज. इससे क्या हो जाएगा, जो भी हमारे काम है वो क्या हो जाएंगे, यूज करने के लिए, मतलब जो भी हमारे काम है वी कैन डू इन आवर लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल, एंड इट इज कन्वीनियंट टू यूज आफ्टर अपडेशन ऑफ ओएस. ओके, इट आल्सो परफॉर्म्स लाइक इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, दैट इज इट हेल्प्स इन यूजिंग हार्डवेयर इन एफिशिएंट मैनर. ओके, मींस जब भी हम लोग कोई कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल परचेस करते हैं, तो उसका हार्डवेयर, रैम, रोम सब कुछ देख के परचेस करते हैं. सो इसका परफॉर्मेंस भी कुछ ऐसा होगा कि आप जो हार्डवेयर आपने देखा है उसमें वो एफिशिएंट मैनर में वर्क करेगा और हेल्प करेगा आपके काम में. ओके, एंड द एग्जांपल्स आर विंडोज 7, विंडोज 10, एंड दीज आर ये जो बहुत पहले यूज़ होते थे. ओके, विंडोज 98, 2000, विंडोज NT, तो ये बहुत पहले के ओएस हैं. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द न्यू स्ट्रक्चर, कंप्यूटर सिस्टम लेयर स्ट्रक्चर. ओके, इट वॉन्ट कम इन योर एग्जाम, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट टू लर्न. दैट इज अगर ये यूजर है,
ओके, ये जो यूज़र है इसको इस हार्डवेयर को यूज़ करना है, मीन्स हमने ये लैपटॉप ले लिया है तो इसे हमें यूज़ करना है। कैसे यूज़ करेंगे? अगर किसी ने कोई लैपटॉप ख़रीदा है, क्यों ख़रीदा है? बिकॉज उसको कुछ काम होगा, मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्राम करना है। एप्लीकेशन प्रोग्राम करने के लिए क्या चाहिए? ही और शी शुड हैव लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप मिल गया, मीन्स वी गॉट आवर हार्डवेयर। ओके, बट वो लैपटॉप हमें स्टार्ट करना है, सो इट विल स्टार्ट विथ OS ओनली, मतलब OS अपडेट करना है। ओके, तो OS उसमें अपडेट और करने के लिए वी हैव टू डू सम प्रोसीजर। सो दिस OS इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ओके, अगर हमें हमारे लैपटॉप पे कोई एप्लीकेशन रन करना है, प्रोग्राम रन करना है, लैपटॉप मीन्स और हार्डवेयर, ओके, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना है? OS उसमें इंस्टॉल करना है, क्लियर? उसी के बाद हम उसमें कोई प्रोग्राम कर सकते हैं। सो कीप इन माइंड कि ये जो OS है, दिस इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। सी, कंप्यूटर हार्डवेयर इज एन इनर मोस्ट लेवल, ठीक है? ये अभी अभी हमने देखा कि जो हार्डवेयर है ये क्या, इनर मोस्ट लेवल है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन आउटर लेवल टू दैट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने कहाँ देखा? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर लेवल के जस्ट बाहर था। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर एट आउटर लेवल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो था वो ऑपरेटिंग सिस्टम के भी बाहर था। ओके, जस्ट वी सॉ इन अवर स्ट्रक्चर। एंड यूजर यूजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट लाइन, दैट यूजर यूजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, सर्विसेज इन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो वॉट काइंड ऑफ सर्विसेज वी आर हैविंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम, स्पेशली इन योर सिलेबस? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज फ्रॉम विच दीज फॉलोइंग थ्री आर मेजर टाइप्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास तो बहुत सारे काम है, लेकिन उसमें से ये जो थ्री मेजर सर्विसेज हैं ये आपके सिलेबस में है। द सर्विसेज आर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, इफ इट कम्स इन एग्जाम, और ये बहुत बार बोर्ड में पूछा हुआ भी है, इट विल कम फॉर 3 marks। ओके, सो यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल थ्री विथ सम ऑफ द पॉइंट फॉर 3 marks। सो लेट्स स्टार्ट। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इट रिफर्स टू द सेट ऑफ सर्विसेज यूज फॉर स्टोरिंग डेटा, रिट्रीविंग, मॉडिफाइंग और रिमूविंग द इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस डिवाइस। मीन्स वॉट? अभी अगर हम अपने फ़ोन से या लैपटॉप से, कंप्यूटर से कुछ काम कर रहे हैं, सपोज वी आर क्रिएटिंग अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देन हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर क्रिएटिंग अ फाइल, ठीक है? उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, लाइक मॉडिफाइंग द फाइल। इफ़ यू हम लोग ने पहले से कोई फाइल सेव किया है एंड वी वॉन्ट टू गो थ्रू दैट फाइल, देन रिट्रीविंग दैट फाइल, स्टोरिंग दैट फाइल, और सम टाइम इफ यू वॉन्ट टू डिलीट, मीन्स रिमूविंग दैट फाइल। ओके, सो दिस बिलोंग्स टू इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ओके, एंड इट मैनेजेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टरीज एंड फाइल, अलोकेटिंग डी अलोकेटिंग द सेक्टर्स टू वेरियस फाइल्स। ये यहाँ पे क्या, इन दिस सर्विस दैट इज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, कहाँ पे कौन सा फाइल अलोकेट हुआ है, कहाँ से कौन सा फाइल डिलीट हुआ है, कौन से सेक्टर में है। ओके, दिस ऑल द थिंग्स ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, सम ऑफ द सिस्टम कॉल्स आर एज फॉलोज। मीन्स ये सिस्टम कॉल्स जो हैं, लाइक वी हैव टू रन अ प्रोग्राम, वी हैव टू डू एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम, दैट इज नोन एज सिस्टम कॉल। ओके, मीन्स इन दिस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट वी कैन क्रिएट अ फाइल, क्रिएट अ डायरेक्टरी, ओपन अ फाइल, मीन्स वी कैन रीड ऑल्सो एंड वी कैन राइट ऑल्सो, क्लोज अ फाइल, रीड डेटा फ्रॉम फाइल टू बफर। बफर मीन्स वॉट? कहीं पे स्टोर करना, ठीक है? फाइल, हम डेटा को रीड कर रहे हैं फ्रॉम फाइल टू बफर। ओके, मूव द फाइल पॉइंटर, फाइल पॉइंटर को मूव करना है,
रीड एंड रिटर्न फाइल स्टेटस, क्रिएट अ लिंक, चेंज वर्किंग डायरेक्टरी, कहीं पे हमें फाइल का डायरेक्शन हमें चेंज करना है, स्टोरेज उसका जो प्लेस है, इफ इट इज इन लोकल डिस्क सी डी तो हमें वो भी अगर चेंज करना है तो. ओके, राइट डेटा फ्रॉम बफर टू फाइल. क्लियर? सो दीज आर द 10 थिंग्स जो ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में सिस्टम कॉल होता है. ओके, दीज आर नोन एज सिस्टम कॉल्स. सो इफ इट कम्स इन एग्जाम, सो यू हैव टू गिव जस्ट वन स्टेटमेंट दैट वॉट काइंड ऑफ थिंग यू कैन डू, एंड यू हैव टू गिव सम ऑफ द सिस्टम कॉल्स. इफ हियर यू आर हैविंग 10, सो यू कैन गिव 4 to 5 ऑल्सो. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन, प्रोसेस मैनेजमेंट. सो इट विल डील विद द प्रोसेस. लेट सी, इफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स मल्टीपल यूजर्स, देन सर्विसेस अंडर दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स मल्टीपल सर्विसेस, तो क्या होगा, ये जो हम मैनेज कर रहे हैं, प्रोसेस को मैनेज कर रहे हैं, ये मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम हैव टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द कंप्लीटिंग प्रोसेस. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या क्या देखना पड़ रहा है, कौन सा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, रन हो गया, कौन सा शेड्यूल में है, मीन्स हमें अभी रन करना है, डिस्पैच करना है वन आफ्टर द अनदर, एक के बाद एक प्रोग्राम को क्यू में मेंटेन करना है. ओके, सो दैट यूजर शुड फील दैट ही हैज़ फुल कंट्रोल ऑफ द CPU. अगर हमने लैपटॉप लिया है, उसका रैम रोम ज़्यादा है, तो हम लोग सोचते हैं ना हमारा काम फास्ट फास्ट हो जाना चाहिए. ओके, सो अगर वैसे ही काम हो रहा है, मीन्स यूजर विल फील दैट ही हैज़ फुल कंट्रोल ऑफ CPU. ओके, सो इन दिस सम ऑफ द सिस्टम कॉल्स आर एज फॉलोज. क्रिएटिंग अ चाइल्ड प्रोसेस, मीन्स आपका प्रोसेस एक रन हो रहा है, सेम सिमिलर टू दैट वी आर क्रिएटिंग अ न्यू चाइल्ड प्रोसेस. टर्मिनेट अ प्रोसेस, प्रोसेस को स्टॉप करना है. वेट फॉर चाइल्ड प्रोसेस टू टर्मिनेट. ब्लॉक द प्रोसेस, रेडी द प्रोसेस, डिस्पैच अ प्रोसेस, सस्पेंड अ प्रोसेस, मीन्स सडनली अगर आपको प्रोसेस को स्टॉप करना है. चेंज प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस, अगर प्रायोरिटी आपको चेंज करनी है प्रोसेस की, डिले द प्रोसेस, किसी प्रोसेस को हमें वेट स्टेट में रखना है. फोर का प्रोसेस, ठीक है, किसी प्रोसेस का हमें एक नया पार्ट रन करना है, दैट इज फोर का प्रोसेस. ठीक है, सो दिस ऑल थिंग्स आर प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स. ठीक है, सो ये जब भी एग्जाम में आएगा, ऑल थ्री विल कम टुगेदर. सो जस्ट गिव वन स्टेटमेंट फॉर दिस एंड 4 to 5 सिस्टम कॉल्स. ओके, नाउ द लास्ट वन, मेमोरी मैनेजमेंट. The services provided under memory management are directed by keeping track of memory and allocating, deallocating it to various processes. Means what? अगर आपके सिस्टम में आप कोई फाइल अपडेट कर रहे हो, कोई प्रोसेस रन हो रहा है, मीन्स हम उस हार्डवेयर का मेमोरी यूज कर रहे हैं. ओके, इफ यू आर सेविंग एनी फाइल, मीन्स अलोकेटिंग, वी आर अलोकेटिंग आवर फाइल इन मेमोरी, एंड इफ यू आर डिलीटिंग मीन्स deallocating. The process system keep a track of free memory locations. तो जो system है, OS है, okay, operating system क्या करता है कि कहाँ पे memory का कितना block free है, okay, कहाँ पे थोड़ा सा free है, हर जगह पूरे memory का, अगर आप में ROM maximum होगा 512 GB है, 1 TB है, तो आपने जितना भी content store किया है वो कहाँ पे store है. ओके, इफ एनी फाइल इज फॉर 2 GB तो उसके आसपास कितना मेमोरी फ्री है, ये सब ट्रैक कौन रखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. बिफोर अ प्रोग्राम इज लोडेड इन मेमोरी फ्रॉम द डिस्क, दिस मॉड्यूल कंसल्ट्स फ्री लिस्ट ऑफ मेमोरी लिस्ट. अगर हमें कोई नया प्रोग्राम सेव करना है, सो फर्स्ट क्या होता है, OS ये चेक करता है कि हमारे पास कितना मेमोरी फ्री है अकॉर्डिंग टू द नीड. ओके, सो वो एक साथ उतना मेमोरी स्पेस कहाँ पे फ्री है वो चेक करता है पहले, देन ओनली हमारा फाइल सेव होता है. सो हियर वी आर हैविंग सिस्टम कॉल्स ओनली टू, दैट इज अलोकेट अ चंक ऑफ मेमोरी टू प्रोसेस एंड फ्री अ चंक ऑफ मेमोरी फ्रॉम अ प्रोसेस. मीन्स अगर हमें कोई फाइल और डेटा स्टोर करना है, मीन्स वी आर अलोकेटिंग अ चंक ऑफ मेमोरी, मीन्स पार्ट ऑफ मेमोरी. फ्री अ चंक ऑफ मेमोरी मीन्स हमें अगर वो फाइल डिलीट करनी है, प्रोसेस स्टॉप करना है, फाइल डिलीट करनी है, मीन्स
हमें वो मेमोरी फ्री करना है. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ आवर सेकेंड सिस्टम कॉल. सो दिस इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट. सो इट मे कम इन योर एग्जाम फॉर 3 marks. एंड इन आवर नेक्स्ट सेशन विल लर्न फाइल सिस्टम्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड फाइल ऑपरेशंस. ओके, सो दिस वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास एंड फ्रॉम दिस वी आर गेटिंग 4 marks क्वेश्चंस. ओके, इन आवर एग्जाम. सो प्लीज डू दिस फर्स्ट टॉपिक properly so that you can move to the next topic. Okay, and if you are facing any kind of doubt, please mention through comment or through email. Thank you, class.